रोजगार जीएसके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में, जो कि जारी की गई है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल साइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अवश्य रीड कर लें। नोटिफिकेशन रीड करने के बाद नीचे आप आएंगे, सबसे पहले देखिए रजिस्टर नाउ का टैब आपको देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए वेरिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगी, जिसकी एंट्री आप इसमें करेंगे, उसके बाद वेरीफाई वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगी, जिसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे, उसके बाद वेरीफाई वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना जरूरी है, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारा देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि वेरीफाइड हो गया है। अगर आप ईमेल आईडी फिल करते हैं, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं, तो आप अपने मेल का जो कि स्पैम फोल्डर चेक कीजिएगा, क्योंकि जो आपका मेल जो जा रहा है, जिसपे ओटीपी आपको प्राप्त होगी मेल पे, वो आपके स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर में जा रहा है, जहां से आपको ओटीपी प्राप्त होगी। अगर आप ऑल इनबॉक्स पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको जो है कि ओटीपी प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब देखिए हमारा फॉर्म जो कि यहाँ से साइन इन हो चुका है, उसके बाद रिक्रूटमेंट टाइप में आपको जनरल रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट अप्लाइड, तो यहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट देखने को मिलेगा, आप जो कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फुल नेम, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे फुल नेम की एंट्री जो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे ब्लैंक्स भी छोड़ सकते हैं। आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उस केस में आप यस करेंगे, अगर नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर अदर स्टेट से फॉर्म को आवेदन करते हैं तो उस केस में आप नो रखेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उस केस में यस रखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर फिल करना है, उसके बाद आप जेंडर बताएंगे, मेल या फीमेल, जो भी आपका जेंडर आप उसे सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में हम देखिए इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप देखिए एक्स सर्विसमैन है तो उस केस में आप यस कीजिए, अन्यथा आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है इस तरीके से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं उस केस में आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको जो कि सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से पहले ईयर, मंथ और डेट की एंट्री कर देनी है। तो आपका देखिए एज जो कि कैलकुलेट होके 11/3/2024 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन को जो कि आप चेक मार करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखिए बेसिक डिटेल फिल करना है। सबसे पहले फादर नेम फिल करेंगे, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपना फादर नेम यहाँ पे जो कि फिल कर देंगे। उसके बाद मदर नेम की आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या सिंगल हैं, इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पे जो स्पाउस नेम, अपने पति या पत्नी का नेम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस डिटेल आपको फिल करना है, तो यहाँ पे देखिए पिन कोड लुकअप वाले ऑप्शन पे जो क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने स्टेट का नेम जो कि सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की एंट्री कर देंगे, और उसके बाद जो कि पिन कोड की एंट्री कर देंगे इस तरीके से। जब गो करेंगे तो आपका देखिए पिन कोड, जिला, उसके बाद राज्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जो अपना विलेज फिल कर देंगे, उसके बाद जो कि पोस्ट की एंट्री कर देंगे। यहाँ से आपका एड्रेस देखिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे चेक मार्क कीजिए, अन्यथा आप अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए अंडरटेकिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसे जो कि चेक मार्क करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल हमें जो कि फिल करना है। सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, इन तीनों में से कोई एक आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए, या आपके पास बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 ईयर कोर्स हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या तो आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ या जीएनएम हो, उसके साथ ही आपके पास 2 ईयर का जो कि मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस हॉस्पिटल से होना चाहिए जिसमें मिनिमम जो कि 50 बेड होने चाहिए आपका हॉस्पिटल से, जहां से आपने अपनी एक्सपीरियंस कंप्लीट किया है। जैसे हमारे पास बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का क्वालिफिकेशन है, तो हम इस वाले ऑप्शन को जो कि सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन में आप बताएंगे आपके पास कौन सी है, बीएससी नर्सिंग
बीएससी नर्सिंग रजिस्टर्ड फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है इस तरीके से जो कि आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपने बोर्ड का नेम जो कि आप यहाँ पे फिल कर देंगे, उसके बाद जो कि आपके सब्जेक्ट की एंट्री करेंगे, कब आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया तो उसका ईयर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कितने प्रतिशत आपको प्राप्त हुए परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिसकी मैक्सिमम साइज देखिए 2 MB तक है। अगर आपके पास एक से अधिक मार्कशीट है तो आप जो कि पीडीएफ में जो कि सारे डॉक्यूमेंट को जो कि मर्ज करके चूज फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए रजिस्टर एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इस वाले ऑप्शन को जो कि चेकमार्क करेंगे, अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन को जो कि आप चेकमार्क करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। अगर आप देखिए यहाँ पे बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, बीएससी बेसिक, बीएससी नर्सिंग रजिस्टर्ड फॉर ए इंडियन नर्सिंग से अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो सेम डिटेल इसी तरीके से आपको फिल करनी पड़ेगी, चूज फाइल क्लिक करके अपना जो कि डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अगर आप डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ या जीएनएम अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन जीएनएम देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम आप यहाँ पे जो कि फिल कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आप यहाँ पे फिल करेंगे, पासिंग ऑफ ईयर आप बताएंगे कब आपने अपना जीएनएम कंप्लीट किया था, उसका परसेंटेज जो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उसका जो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास मार्कशीट है उसको पीडीएफ फाइल में अगर एक से अधिक है तो मर्ज करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल आफ्टर, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो कि चेकमार्क आपको करना जो कि कंपलसरी है, उसके बाद आप सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखिए फोटोग्राफ जो कि अपलोड करना है, आपको फोटोग्राफ का देखिए यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, मैक्सिमम 200 KB तक आपका जो कि फोटोग्राफ होना चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फाइल में आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। वहीं पे देखिए विड्थ और हाइट भी मेंशन कर दिया गया है जो कि 150 पिक्सल और जो कि 200 पिक्सल तक मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए। उसके बाद उसी तरह सिग्नेचर की बात करेंगे, हम चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे जिसकी मैक्सिमम देखिए 200 KB तक होना चाहिए। विड्थ और हाइट जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, विड्थ आपका 150 पिक्सल, वहीं जो है कि हाइट जो कि 50 पिक्सल रहनी चाहिए। यहीं पे जो कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे अपना देखिए बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और क्लास 10th की मार्कशीट का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है आप यहाँ पे जो पीडीएफ फाइल में जो कि बना के जो कि अपलोड कर देंगे। उसके बाद देखिए कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC EWS, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र जिसे कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं आप पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB के अंदर जो कि आप चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद देखिए इंटरमीडिएट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है जिसका मैक्सिमम साइज पीडीएफ में रहना चाहिए, 2 MB तक चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड कर देंगे। उसी तरीके से आपको देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर एक से अधिक आपके पास है तो आप उस केस में मर्ज करके फाइल को जो कि 2 MB तक जो कि यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, अगर आप कहीं कार्यरत हैं आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उस केस में आप अपलोड कीजिए, अगर आप कहीं कार्यरत नहीं है उस केस में आप इसे ब्लैंक्स भी छोड़ देंगे। अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन को जो चेकमार्क करेंगे सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों मैं आपको फोटो जो है रिसाइज करना बताऊंगा क्योंकि फोटोग्राफ देखिए अपलोड नहीं हो रहा है, मेरे को लग रहा है आप लोग को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं फोटो आपको रिसाइज करना बता देता हूँ। जैसे आप पेंट में अपना फोटो लेके आएंगे आपको यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, पिक्सल वाले ऑप्शन को जो कि आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद देखिए मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो वाले ऑप्शन को जो कि आप चेकमार्क कर देंगे, विड्थ में आप फोटोग्राफ के लिए 150 फिल कर देंगे, वहीं हाइट के लिए आप यहाँ पे 200 पिक्सल फिल कर देंगे, उसके बाद ओके वाले टैब पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका फोटो देखिए रिसाइज हो जाएगा। उसके बाद फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से जेपीजी फाइल जो कि सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके अपना फोटो जो कि अपने डेस्कटॉप पे आप सेव कर लेंगे। अब हम देखिए सिग्नेचर को जो कि रिसाइज करेंगे, आपको देखिए रिसाइज वाले ऑप्शन को चेकमार्क करना है, उसके बाद पिक्सल वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को आप अनचेक कर देंगे, यहाँ पे आपको विड्थ फिल करना, तो सिग्नेचर के लिए 150 फिल कर देंगे, वहीं जो हाइट आप यहाँ पे जो कि 50 रखेंगे तो, और उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर देखिए इस तरीके से रिसाइज हो जाएगा। फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेव एज जाएंगे, जेपीजी फाइल सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके अपने डेस्कटॉप पे जो कि अपना सिग्नेचर सेव करके रख लेंगे। हमारा फॉर्म देखिए फाइनल सबमिट हो गया है, अब जो कि हमें पेमेंट करना है, आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट देखने को मिल जाएगा, पे नाउ वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे पेमेंट करने का, जैसे QR कोड या UPI के माध्यम से, तो पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए, कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, वॉलेट के माध्यम से अपना पेमेंट
कर सकते हैं। जैसे हम कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो कार्ड वाले ऑप्शन पे जो कि क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, सी नंबर, उसके बाद यहाँ पे पे नाउ वाले टैब पे क्लिक कर देंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप वेरीफाई कराएंगे, वहां से जो कि आपका जो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट देखने को मिलेगा जिसे आप सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।